मदनता पीएससी में तैनात एएनएम गीता पांडे द्वारा पीएससी के डॉक्टर पर गाली गलौज मारपीट के आरोप का सच देखिए। दबंग एएनएम कैसे दबंगई से उड़ाती है नियमों की धज्जियां। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण का है इनके ऊपर जिम्मा, मगर हकीकत देखिए, अस्पताल में ही बैठकर रजिस्टर में अंकन कर रही है फर्जी बच्चों के नाम। स्वास्थ्य परीक्षण और बच्चों और माता पिता का नाम, उम्र और वजन लंबाई फर्जी तरीके से पुराने रजिस्टरों में नकल करती है। इसी मामले पर जब डॉक्टर ने की पूछताछ तो देखिए क्या बोल रही है एएनएम। अधिकारियों से शिकायत करने पर देती है फंसा देने की धमकी। कुछ मठाधीशों के इशारों पर एक डॉक्टर को किया गया बदनाम करने की कोशिश। प्रतापगढ़ से प्रमोद श्रीवास्तव की रिपोर्ट, एसकेएच न्यूज। फील्ड में नहीं जाते हैं और जो बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं उनके स्वास्थ्य साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं? बच्चे तो मिलते नहीं हैं, लेकिन वही मिल जाती हैं सर। बच्चे तो जब पता लगा तो बुलाती हैं, नहीं जाता नहीं जाता। अच्छा, मतलब जाने से पहले सूचना देते होंगे? हाँ, सूचना देते हैं। ये रजिस्टर ऐसे ही भरा जाता है और ऐसे ही रिपोर्टिंग हो जाती है? हो जाती है। अच्छा, हम फर्जी नहीं करना चाहते हैं तो हमारे ऊपर गाज गिर जाती है, लड़ बैठते हैं लोग। अच्छा, आपको डराया धमकाया जाता है? हाँ, ये करने के लिए। मैं जो कहूँगा वही होगा, मैं जो कहूँगा वही होगा। कहाँ पे पोस्टेड हैं आप? मानधाता पीएससी प्रतापगढ़ जी। नाम क्या है आपका? नाम क्या है आपका? गीता पांडे। किस पोस्ट पे हैं आप? और इतने दूसरों में अपना ड्यूटी करते हो, किसी से कोई मतलब नहीं रहता, न किसी के साथ उठना, न किसी के साथ बैठना, किसी से फालतू मतलब रहता है। हम अपने काम से मतलब रखते हैं भैया, केवल उसके बाद भी हमको यहाँ धमके घुड़की यही देते रहते हैं। और आप मार के निकले तो हमको अनामिका सिंह धमकी देते जा रही है कि चलो अब तुमको डीएम तक ले चलेंगे, यहाँ तुम्हारा कोई नहीं कुछ कर पाया, तुम्हारा डीएम तक तुम खिंचवाते तब तुम्हारे समझ में आता है कि हमने गलती क्या किया कि जो डीएम एस पी के यहाँ ले जाएंगे। और डीएम एस पी साहब इंसान नहीं है, जो हमारे बारे में नहीं पूछेंगे, वो हमारे विद्यालय को खुजवाए कि हमारे काम नहीं, कि विजिट में नहीं जाते, कि हमारे काम 400 BC का काम हमारा है। क्यों मारे आपको? हमको मारे फॉरवर्ड था, वो फॉरवर्ड के बारे में नीलकमल को इन्होंने फोन किया, हम फील्ड में गए हुए थे तो नीलकमल पूछे कि क्या उनका फॉरवर्ड ले आयो। कह सर हम अपना काम मालूम है, अपना बैग मालूम, उनके बारे में को नहीं मालूम, फॉरवर्ड हम नहीं लाए हैं। तो कहे कि ठीक है यहाँ आए तो हमसे गीता ढूंढ के दे दो, परेशान है लोगों का फॉरवर्ड नहीं मिल रहा है। हम कह सर हमको नहीं पता है। फिर हम आप ही जुड़े हैं सब डिब्बा हटा के लगे देखने, वही पानी गिरता है, वही गिरा हुआ था फॉरवर्ड, तो वही फॉरवर्ड गिरा हुआ था। तुम कह सर देखिए, एक जिम्मेदार आदमियों का काम है कि पानी की जगह फॉरवर्ड फेंके हैं। और हमसे पूछा